Now, student, we have question number 4th. And question number 4th says, Ankur walked 15 km from his house to the east, then turned right and walked 10 km. He then turned west and walked 35 km. He again turned right and walked 10 km. How far is he from his house? So this question is a little bit tricky one. Why? Because in this, you can see there are different types of turn are also given. So, abhi tak turn nahi tha hamare paas. Now it is given right turn and left turn also. So student, maine aapke saath pehle bhi discuss kiya tha ki jab bhi aapke paas turn ke basis mein question aata hai, to aap logo ko jab bhi aapko map draw karte ho, maine kaha bhi tha aapko ki map mein put yourself in that map. आप अपने आप को वहां पर इमेजिन करके सोचो और तब देखो कि आपका लेफ्ट हैंड कौन सा है, राइट हैंड कौन सा है, अपने आप को उस मैप में रखकर और तब आप क्वेश्चन को सॉल्व करो. ठीक है, तो मैं आपको इसमें वही बताने वाला हूं अभी. सी, पहले मैंने आपको डायरेक्शन बता दिया, ये तो हम पढ़ चुके हैं बहुत बार, तो मैंने डायरेक्शन दोबारा एक बार ड्रॉ कर दिया सो दैट ये भी हमें हेल्प करता है क्वेश्चन करते हुए. अंकुर वॉक 15 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस. अंकुर 15 किलोमीटर अपने घर से चला टू द ईस्ट, किस साइड? ईस्ट साइड. तो मैं पहले कहां से क्वेश्चन को शुरू करूंगा? अंकुर के घर से, क्योंकि अंकुर अपने घर से चला है. ठीक है, सो दिस इज अंकुर्स हाउस. तो क्वेश्चन में बोला था, जस्ट रीड द लाइन केयरफुली. अंकुर वॉक्ड 15 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस टू द ईस्ट. अंकुर अपने घर से ईस्ट की तरफ, ईस्ट किस साइड है देखो, उस साइड ईस्ट की तरफ वो चला. कितना किलोमीटर चला वो? 15 किलोमीटर चला और वो एक पॉइंट में आके पहुंच गया. मैंने पहुंचा दिया उसको 15 किलोमीटर ईस्ट में उसके घर से. देन क्वेश्चन मार्क लगाए तो हम सॉरी कॉमा लगाए तो हम लोगों को मतलब ये स्टेटमेंट अलग है. फिर इसके बाद यहां से अलग स्टेटमेंट है. देन टर्नड राइट एंड वॉक्ड 10 किलोमीटर. जैसे वो यहां पर पहुंचा, अब यहां से उसने क्या कर लिया? देन टर्न राइट, यहां से राइट ले लिया. अब देखो उसका फेस किस साइड होगा. सपोज अंकुर का घर यहां है, मैं जा रहा हूं उस साइड, जा रहा हूं उसका मतलब मेरा फेस उस साइड है ना. तो मेरा फेस उस साइड है तो मेरा लेफ्ट हैंड कौन सा होगा? यही वाला होगा. एंड राइट हैंड कौन सा होगा? ये वाला होगा. तो कहां मुड़ने के लिए बोला था? देन टर्न राइट, मतलब मैं अगर ऐसे जा रहा हूं तो मेरा राइट हैंड दिस हैंड होगा, मतलब मैं नीचे की तरफ आ जाऊंगा. दिस साइड, दिस इज राइट. ओके, सो वो राइट में टर्न कर लिया, उसने फेस राइट की तरफ कर लिया, मतलब ये वाले हाथ की तरफ उसने टर्न कर लिया और वो नीचे की तरफ अब आने लगा. एंड वॉक 10 किलोमीटर, वो कितना चल गया? 10 किलोमीटर तक चल लिया उसने, पहुंच गया एक पॉइंट तक वो 10 किलोमीटर तक. आफ्टर दिस ही देन टर्न वेस्ट. अब वो जैसे यहां पहुंचा तो वो वेस्ट साइड में टर्न कर दिया उसने. तो आप मैप में देखो, बताओ वेस्ट साइड किस साइड है? इधर की साइड वेस्ट आ रहा है ना, यहां की साइड वेस्ट आ रहा है. इसका मतलब वो वेस्ट साइड में आ गया. एंड वॉक 35 किलोमीटर, कितना चल गया वो? 35 किलोमीटर तक चल गया. ठीक है ना, 35 किलोमीटर. मैंने क्यों लंबी लाइन लगाई? तो खुद देखो आप बेटा, जब इतना 15 किलोमीटर है, इतना 15 किलोमीटर है ये लाइन, ये भी तो 15 किलोमीटर होगी. 35 तो और आगे तक जाएगा वो, इसीलिए तो मैंने उसके लाइन को बहुत एलैबोरेट कर दिया. 35 किलोमीटर तक चल लिया वो, सपोज यहां तक 35 किलोमीटर तक चल लिया वो. जैसे वो 35 किलोमीटर तक पहुंचा, ही अगेन टर्न राइट. अब देखो जब 35 किलोमीटर तक वो चला तो उसका फेस किस साइड होगा? इस साइड. मैं आपको दिखा भी देता हूं, इस साइड होगा फेस, है ना, इस साइड फेस हो रहा है. तो क्वेश्चन में लिखा था ही अगेन टर्न राइट, अब वो राइट की तरफ मुड़ गया. बताओ मेरा राइट हैंड कौन सा होगा? ये वाला, सिंपल सी बात है. एंड दिस वन इज माय लेफ्ट हैंड. तो राइट मतलब ऊपर की तरफ, ये वाला हैंड है मेरा राइट हैंड, तो वो राइट हैंड की तरफ मुड़ गया. इसका मतलब ऊपर की तरफ मुड़ गया राइट हैंड में. ठीक है, तो जैसे राइट हैंड में मुड़ा एंड वॉक 10 किलोमीटर, वो कितना चल गया? 10 किलोमीटर चल गया. आप लोग एक चीज देख रहे हो, यहां भी डिस्टेंस 10 किलोमीटर था, ऑटोमेटिकली ये भी डिस्टेंस 10 किलोमीटर है. इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आमने सामने तो आ चुका है, वो इसी के सामने तो आ चुका है वो. देखो डायग्राम कैसे बन रहा है ना. अब यही तो पूछा था हमें, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज हाउस. वो यहां पहुंच चुका था, तो अब पूछा था अंकुर अपने घर से कितने डिस्टेंस पे, दूर पर खड़ा है. इसका मतलब हमें ये डिस्टेंस निकालना है. तो कैसे निकालेंगे हम, ध्यान से देखिए आप लोग. ये पूरी लाइन कितनी है? 35, सॉरी ये पूरी लाइन 35 है. तो ये लाइन भी तो पूरी 35 होगी, समझ रहे हो आप? जब ये लाइन 35 है, ये पूरी लाइन 35 है, तो इसके ऊपर ये पूरी लाइन भी तो 35 होगी, मतलब ये पूरी लाइन भी तो 35 होगी. इसका मतलब ठीक है ना, ये भी पूरी 35 है. अब 35 में से हाउ मच इज गिवन?
15 is already given, मतलब उसका अंकुर का करीब 15 तो दे ही रखा है. सिंपल, 15 तक जब पूरा दे रखा है तो मैं 35 में से 15 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना बचेगा, 20 किलोमीटर. इट मींस ये डिस्टेंस जो है यही हमारा 20 किलोमीटर है, एंड दिस विल बी योर आंसर. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. ठीक है, तो 20 किलोमीटर का ये डिस्टेंस था. मैंने वैसे 35 ये अंकुर के घर को मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया है, तो आप लोग ये मानो कि अंकुर का घर छोटा सा होगा, वहां से 20, ये पूरा 20 किलोमीटर है, ये पूरा 15 किलोमीटर है, 20 15, तब जाके 35 हुआ है वो. ठीक है ना, तो दिस विल बी योर आंसर. 35 पूरा, उसमें से 15 माइनस, तो ऑटोमेटिकली 20 बचा हुआ डिस्टेंस होगा, जो कि अंकुर के घर का डिस्टेंस और उसका लास्ट पॉइंट के बीच का डिफरेंस है. ठीक है.